Kan pecuk dari aku 7 class में 8वां बार रिवर्ट बजे यानी तीन लंबा वाला झंडा इसका भाग एक कर रहा था पूरा अनुवाद बता दिया था पूरे पाठ का प्रश्न उत्तर भी समझाए थे थोड़े शब्दार्थ करवाए थे सारा भाग एक में करवा दिया था। अब आगे है आपका भाग दो ये भाग दो थोड़ा लेसन बचा था मैंने भाग दो में करवाऊंगी तो आगे आप करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा है पहला प्रश्न देखो शुद्ध कथनस्य समक्षम आम यानी शुद्ध कथन है उसके आगे आम का मतलब क्या होता है अशुद्ध कथन समक्षम न लिखा शुद्ध के आगे तो आम यानी हाँ लिखेंगे और जो अशुद्ध है उसके आगे न यानी नहीं लिखेंगे ठीक है यह हमारा पहला प्रश्न है तो पहला प्रश्न आप सब किताब खोलो और किताब में हम पहला प्रश्न देखेंगे का क्या है अस्माकं राष्ट्रस्य अस्माकं राष्ट्रस्य अस्माकं माने हमारे राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के ध्वजे ध्वजे ध्वज में त्रय यानी तीन वर्ण संधि त्रय वर्ण संधि ठीक है अब हमें क्या लिखना है इसमें आम और ना सही है या गलत है ये मैं आपको इकट्ठे बताऊंगी ये पहला है ठीक है ध्वजे हरि वर्ण ध्वज हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति प्रतीक अस्ति अब हमारे इसमें आ और ना लिखना है आम और ना ठीक है दूसरा तीसरा है ध्वजे केशर वर्ण में ध्वजे केशर वर्ण है केसर वर्ण शक्त्या शक्त्या प्रतीक अस्ति ध्वज का जो केशर वर्ण है वो सच्चाई का प्रतीक है प्रतीक का लिख लो ये सूचक का लिख लो ये की बात है सच्चाई का सूचक है फिर है घा घा में देखो चक्रे त्रिशंत त्रिशंत अराशक्ति अरा संधि ठीक है प्रणाम को चक्रम प्रगति चक्र चक्रम चक्री जो है प्रगति भूतकम प्रकृति का घटक है ठीक है अब है पहला अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्ण सन्ति हमारे राष्ट्र ध्वज में तीन वर्ण है सही है बिल्कुल तो हम लिखेंगे हाँ यानी ध्वज हरित वर्ण में शांति प्रतीक है अस्ति ध्वज का जो हरित वर्ण है यानी हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है ना नहीं क्योंकि शांति का प्रतीक कौन सा है सफेद रंग श्वेत वर्ण ठीक है तो ना लिखोगे ध्वज केशर वर्ण शक्तिया सूचक है इसकी ध्वज का जो शक्ति का प्रतीक है केशर वर्ण हां हां चक्र त्रिशं आसंति नहीं चतुर्वेश तो क्या लिखोगे ना चक्र प्रकृति दोतकम प्रकृति का सूचक है
आप इसको उतार ठीक है। फिर हम अगला करेंगे एक पद में उत्तर, यानी एक पद में उत्तर, एक शब्द में उत्तर दो, इसका मतलब क्या हुआ, एक शब्द में उत्तर। एक पदे प्रश्न, एक पदे उत्तर, एक शब्द में उत्तर, इसका मतलब ये ठीक है। अब हमारा पहला है अस्नातक ध्वजे कति वर्ण सन्ति, हमारे घर में कितने रंग हैं, कितने रंग है हमारे घर में, त्रय तीन रंग। तो हम क्या लिखेंगे, खाली एक शब्द में उत्तर देना है तो प्रश्न लिखे हम खाली उत्तर लिखेंगे त्रय वर्ण, तो लिखा हुआ है खाली तीन, त्रय वर्ण यानी तीन रंग है। तो हमारे लिखो अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में कति वर्ण सन्ति, कति वर्ण सन्ति, यानी इसका हम क्या लिखेंगे, हमारे राष्ट्र अनुवाद, हमारे झंडे में कितने रंग हैं, हमारे रंग इतने प्रश्न है, प्रश्न बात। अब उत्तरम लिखो, उत्तरम प्रश्न है त्रय, यानी अस्माकं ध्वजे कति की जगह त्रय आ जाएगा, त्रय है ना तीन, त्रय माने तीन, वर्ण तो लिखा हुआ है खाली तीन। अब ख है, ख वाला देखो, त्रिवर्ण ध्वज वर्ण ध्वज तीन रंग के झंडे में शकत्या सूचक है, का वर्ण शकत्या सूचक है, का वर्ण तीन रंग के झंडे में झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, कौन सा है, केशर वर्ण, कौन सा है केशर, केशर क्या केशर वर्ण यानी केसरिया रंग ठीक है। अगला देखो अशोक चक्र, अशोक चक्र यानी अशोक चक्र कस्य दूत, कस्य किसका दूतक, कस्य दूतकम् अस्ति,
हनुमान अशोक चक्र किसका प्रतीक है? अशोक चक्र किसका प्रतीक है या सूचक है? किसी भी को सूचक है, ठीक है। अब उत्तर लिखोगे किसका? प्रगति का। किसका लिखोगे? प्रगति, यानी प्रगति का आने वाले प्रगति न्याय से, प्रगति और न्याय का न्याय से। चलो प्रगति और न्याय का सूचक है कौन? अशोक चक्र। अब आगे लिखो भवन अगला है घर त्रिवर्ण ध्वज है, त्रिवर्ण ध्वज है यानी तीन रंग के झंडे में कस तीन पूरा त्रिवर्ण ध्वज है, कस्य प्रतीक है? कस्य तीन रंग वाले झंडा है वो किसका प्रतीक है? अनुवाद है तीन रंग का झंडा तीन रंगों का झंडा इसका प्रतीक है उत्तरम राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र की स्वाधीनता, स्वाधीनता के गौरव का, स्वाधीनता गौरव, ठीक है, स्वाधीनता के राष्ट्र के गौरव का राष्ट्रस्य या राष्ट्र गौरव स्वतंत्रता के राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। तो आपके एक पद में एक शब्द उत्तर था, कर लिया होगा आप सबने। अब अगला निकालो ठीक है। अब अगला देखो एक वाक्य उत्तर यानी एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में अभी तक एक शब्द में उत्तर देते मैंने अनुवाद भी कराया इसे पूरा लिखवा दिया आपको इसे आपको समझ में आता है। अब एक वाक्य में उत्तर देना है, पूरे पूरे वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द नहीं पूरे वाक्य। लिख लो एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दे। प्रश्न एक वाक्य उत्तर, ठीक है, यानी एक वाक्य में उत्तर दे। अब क है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः
अश्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे झंडे का सफेद रंग, ये प्रश्न है, अब उत्तर लिखो। मैं हिंदी बता रही हूँ, अब अपने आप हिंदी भी लिख लो उसकी। हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है? ठीक है, हमारे झंडे का सफेद रंग बिल्कुल सिंपल है, पहले मैंने अखबार बता दिया था, अब मैं बता रही हूँ, आप सब लिखते जाओ। हमारे झंडे का सफेद रंग जो है किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजस्य, ऐसा कैसा आएगा, कस्य की जगह आंसर आ जाएगा, ध्वजस्य श्वेत वर्णः, अब कस्य, कस्य की जगह आपको आंसर लिखना है। सात्विक काया ठीक है ना, सात्विकताया और शांति है, सुचिताया सच्चाई और फिर सूचक है अस्थि, ये लिख लो, सूचक है अस्थि। ठीक है, पूरा ऐसा आंसर आपके आ जाएगा। हमारे देश के सफेद, हमारे झंडे के सफेद जो रंग है वो किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सात्विकताय सुचिताय च, चल लो चल ही आएगा च। ठीक है, एरर बना के लिखो, एनी और, ये आपके क्वेश्चन हो गया। हाँ बैंक ठीक है, अब लो एक के बाद, ठीक है ना, अब आपका आएगा प्रश्न। अब खा में लिखो, अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ पुत्र अस्ति का, पुत्र अस्ति माने है, अशोक स्तंभ कहाँ, कहाँ है अशोक स्तंभ, उत्तरम कहाँ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के पुत्र की जगह आपके आंसर आ जाएगा सारनाथ के अस्थि, यानी सारनाथ में है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या 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 लगाएंगे, कौन सी राम लगाए। अब प्रश्न है ग, आप सब देखते जाओ, त्रिवर्ण ध्वजस्य, त्रिवर्ण ध्वजस्य यानी तीन रंग के झंडे में, झंडे के ध्वजस्य माने के, तीन रंग के उत्तोलन कदा होती है, कब हम फहराते हैं इसको, उत्तोलनम कदा भवति, यानी तीन रंग का झंडा है वो कब फहराया जाता है, कब कब फहराया जाता है, गणतंत्र दिवस से, स्वतंत्रता दिवस से, जब त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम है, उत्तर अब कदा, कदा मैंने प्रश्न पूछा है कदा, तो स्वतंत्रता दिवस से स्वतंत्रता दिवस से, गणतंत्र दिवस से, गणतंत्र दिवस से, इन दोनों दिवसों में क्या होता है, क्या भवती, और इन दोनों के बाद में क्या आता है, उत्तोलन इनका अंतिम होता है। ठीक है, ये लाइन खींच दो, अब घ वाला प्रश्न, अशोक चक्रम कति अरासन,
अशोक चक्रम कति अराम चंदी अशोक चक्रम 24 को क्या कहेंगे चतुर्विंशति अशोक चक्रम अब कति कति माने कितनी है ना चतुर्विंशति विंशति अराम संति अशोक चक्र में 24 अराम माने 3 है गाथा गाथा पहला है एक वाक्य जैसे एक बात बोलते हो अस्माकं गजस्य से श्वेत वर्ण है कस्य सूचिका अस्ति हम देखिए अस्माकं गजस्य से श्वेत वर्ण है सात्विक कारा सूचिकाया च सूचिका अस्ति दूसरा है अशोक स्तंभ पुत्र अस्ति अशोक स्तंभ कहाँ है अशोक स्तंभ सारनाथ अस्ति अशोक स्तंभ सारनाथ में है ठीक है त्रिवर्ण ध्वज से उत्पन्न कला होती तीन रंगों का जो झंडा है हमारा उसको हम फहराते हैं त्रिवर्ण ध्वज से उत्पन्न स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस से च भक्ति दो आ जाते हैं उसके बाद अच्छा लगता है चाहिए भी और अशोक चक्रम कति अरा संति अशोक चक्र में कितनी क्रिया है अशोक चक्रम चतुर्विंशति अरा संति अशोक चक्र कर लो चक्र चतुर्विंशति अरा संति कर लो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया मैंने फिर आगे मैं करवाऊंगी प्रश्न निर्माण करने हैं आपके उत्तर दिए हुए हैं और उनके हमें क्या बनाने हैं प्रश्न बनाने हैं अभी हम प्रश्न का उत्तर लिख रहे थे अब ऐसा है जैसे आपको आ जाए उत्तर दिए हुए हैं उन्हें हमें क्या बनानी है प्रश्न बनाना ठीक है आगे करो कठोर लिखित वाक्यशु नीचे लिखे वाक्य होंगे कठोर लिखित वाक्यशु रेखांकित पदानी जो रेखांकित अंडरलाइन की हुई है उन पदों के क्या प्रश्न निर्माण करो प्रश्न निर्माण ठीक है अब हमारा पहला प्रश्न है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है हमारे तीन रंग के झंडे में विश्वविजयी भवे अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्वविजयी अब इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए विश्वविजयी भवे हमारे जो तीन रंग का झंडा है हाँ विश्वविजयी है विश्वविजयी तिरंगा पहरा सुनते हैं ना गाना है तो हमारा तीन रंग का विश्वविजयी विश्व को विजय करने वाला है अब हम इसका प्रश्न बनाएंगे है तो अब हम इसको उत्तर लिखेंगे पर प्रश्न में क्या है कि उत्तर दिया हुआ है हम इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे तो ऐसा कैसा लिखेंगे बस इसके नीचे लिखना है अस्माकं हमारा त्रिवर्ण ध्वज विश्वविजयी है ठीक है तो
तो हम त्रिवर्ण में घटक की जगह क्या लिखते हैं, क्या यानी कब, विश्वविजय कौन है हमारा विश्वविजय, ये हमें लिखना है। ठीक है, अब खा है स्वधर्मा स्व माने अपने, धर्मात्मा माने धर्म के, प्रमादम त्रय हमारे धर्म के त्रय वयम न कुर्या, ये प्रश्न है, प्रश्न प्रश्न तीन लगाओ। अब उत्तर लिखेंगे, उत्तरम प्रश्न बनाना है इसको, किसके किसके अंडर आए हैं प्रमादम, तो हम लिखेंगे स्वधर्मा किम, क्या तीन चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, किम त्रय वयम न कुर्यात् हमें करनी चाहिए। प्रश्न अगला देखो, अब गा वाला है, अब गा वाला देखो क्या है, एकल सर्वम, एकल सर्वम अस्माकं नेत्रणां नेत्रणां हमारे नेत्रे सद्बुद्धे सत्फलम, सद्बुद्धे अब हमें किसकी जगह बनाना है, सद्बुद्धे सद्बुद्धे पे हम बनाएंगे, तो हम लिखेंगे उत्तरम एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रणां। ठीक है, अब हमें सद्बुद्धे की जगह क्या करना है, प्रश्न लिखना है, तो कस्य किसके सत्फलम, क्वेश्चन आगे बढ़ो, फिर हमारा आता है घ, घ में क्या है, घ में है शत्रु नाम समक्षम, शत्रुओं के सामने शत्रु नाम समक्षम विजय है, शत्रु के समक्ष क्या होती है विजय, सुनिश्चितम सुनिश्चितम भवे, शत्रु के सामने क्या होती है विजय सुनिश्चित होती है, तो हमें शत्रु नाम की जगह क्या लिखना है, उत्तर लिखना है शत्रु नाम किसकी जगह, तो हम मिलेंगे केशाम, यानी किसके केशाम समक्षम विजयम सुनिश्चितम भवेत्,
ठीक है ना। तो आप सबके लिए क्या करना है, अगर प्रश्न जो बनाए हैं आपने, पहला है अस्नातम त्रिवंश भजे विश्व विजयी भवे, तो त्रिवंश भजे की जगह लगाना है, तो अस्नातम का विश्व विजयी भवे हमारा क्या विश्व विजय करने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो स्वधर्मान प्रमादम त्रयो बलवन कुरिया, स्वधर्मान किम प्रमादम की जगह त्रयो त्रयो बलवन न कुरिया, एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धे सत्फलम्, एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां कस्य सत्फलम्, कस्य माने इसके शत्रुणां समक्षं विजय सुनिश्चितं भवेत्, केषां यानी शत्रु के सामने इन्हें हमने हम करेंगे, इसके सामने विजय सुनिश्चित हो, ठीक है। ये हम आपके हमारे प्रश्न बना, प्रश्न निर्माण आपने करे। अब हम एक छोटा सा करते हैं, ये एक है इसमें हमें विभक्तियां लिखी हुई है, तो मैंने सारे आपको रूप कराए, तो विभक्तियां को देख दीजिए, आप स्वयं करेंगे, ठीक है। विभक्तियां देख के स्वयं अपने आप करेंगे। अभी हम एक जो मिलान है वो कर देते हैं, चले मिलान करने हैं, मिलान लिखो, उसके बाद उसको सही उत्तर लिखना है, जैसा जैसा उसके खाली मिलानी नहीं करना, उसको उत्तर में सही करके लिखना होता है। छोटी क्लास में खाली मिलान कर दिया जाता है, लाती पीछे वो नहीं करते, बड़ी क्लास में, बड़ी क्लास में पूरा उत्तर लिखा जाता है, ठीक है। समुचित निर्णय, समुचित निर्णय, समुचित मेल करके कृतवाल कर मिलान करके, समुचित मिलान करके फिर उसको लिखे, ठीक है। क है पर ये हमारा क्या है, ख केशर वर्ण केशर वर्ण के आगे क्या लिखा है, प्रगति, गलत लिखा है, न्यायस्य च प्रवर्तकम्, किताब में से देखो आप सभी, बुक में है आपके, सातवां क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लास है, अब हमारा अध्याय था पानी है, हरित वर्ण है, सारे रंगों के नाम है, तो आपको पूरे बुक में से देख सकते हो आप, किताब में से देखो। फिर ग है अशोक चक्रम, अशोक चक्रम, फिर त्रिवर्ण ध्वज है, त्रिवर्ण ध्वज है, फिर है त्रिवर्ण से ध्वज से स्वीकरण, हमारे पास स्वीकार किया गया है त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण, स्वीकरणम हमारा झंडा कब स्वीकार किया गया, तो अब इसके आगे हमें लिखना है। पहला है प्रगति वाला, दूसरा लिखना है 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, तमे वर्षे जातम, ठीक है। ये गलत लिखा, सही करना है। शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक, शौर्य इसका सूचक, त्याग का सूचक कौन सा रंग है, ये आपको क्या करना है, लिखना है। सुषमाया उर्वरताया सुषमा ऊर्जा का प्रतीक कौन सा रंग है, स्वाधीनताया
स्वाधीनता राष्ट्र गौरव से राष्ट्र का गौरव का क्या प्रतीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें लिख देते हैं केशर वर्ण है, केशर वर्ण किसका प्रतीक है, सौरस्य, और इस बात को इसके आगे हम लगाएंगे एक नंबर, ठीक है। दूसरा हरित वर्ण है, हरित वर्ण किसका प्रतीक है, सुषमाया, इसका प्रतीक है, ठीक है। अब है तीसरा है अशोक चक्र, अशोक चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति का, तो तीन नंबर लगा दीजिए। चौथा है त्रिवर्ण ध्वज, तीन रंगों वाला झंडा है, इसका प्रतीक है इसका। फिर पांचवा रह गया है, इसको त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकार कब किया गया, 22 जुलाई को, तो हम पांच नंबर लगा सकते। ऐसे हम नंबर लगा देंगे पहले, फिर नंबर लगाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब पहला है केशर वर्ण है, काले को केशर वर्ण है मिलान होता है, लिखा जाता है केशर वर्ण है, इसका प्रतीक है सौरस्य, व्याप इसके क्या सूचित है, सौरस्य त्यागस्य च, शौर्य और त्याग का सूचक प्रतीक है, सूचक है, ठीक है। अब है हमारा आता है क वर्ण, क है हरित वर्ण है, हरा रंग, हरित वर्ण है, हमने किसके साथ जोड़ा है, हरित वर्ण को किसके साथ जुड़ा है, दो नंबर कौन सा हमारा, इसमें देखो सुषमाया उर्वरता, ठीक है, इसमें लिखोगे सुषमाया उर्वरता सुषमाया उर्वरता क्या सूचक क्या सूच रहा है, ठीक है। अब हमारा आता है ग, ग वाला है अशोक चक्रम, अशोक चक्रम, अब हमने अशोक चक्र किसके लिए लगाया है, अशोक चक्र किसका प्रतीक है, इसका है प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम्, प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम्, प्रवर्तकम्, ठीक है। अब भ वाला जो अगला है त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज है, तीन रंगों का जो झंडा है, इसका प्रतीक है, चौथा नंबर किसमें लगाया हमने, स्वाधीनता राष्ट्र गौरव से क्या प्रतीक है, स्वाधीनता राष्ट्र गौरव से गौरव से क्या प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव और उसका प्रतीक है। अब आ जाता है त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण, त्रिवर्ण झंडे को स्वीकार कर दिया गया, त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण कब किया गया, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, ठीक है ना, कब किया गया, 22 जुलाई, यह आपका
मिलान हो गया। देखो हम मिलान करते हैं ना, पहले लिख देते हैं फिर उसके आगे नंबर लगा देते हैं। नंबर लगाने के बाद हमें लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर हमने सारा जैसे केशव वर्ण है सौरस्य यागी से कैसे उठता है, हरित वर्ण है सुषमाया उर्वरता है कैसे उठता है, अशोक चक्रम प्रगति न्याय से क्या प्रवर्तकम, सिल्वर ने ध्वज स्वाधीनताय राष्ट्रीय गौरव से क्या प्रतीक है, और त्रिवर्ण ने ध्वज से स्वीकरण 22 जुलाई 1947 वर्ष के ज्ञातम। ठीक है, ये सारा काम आप किसमें करेंगे, कॉपी में करेंगे। पहले आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे कॉपी में करने के बाद, और आपकी जो समझ में नहीं आता हो वो हमसे आप पूछेंगे और आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।